Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fine at your home. Now, this is our online classes of Royal International School, subject English Reader, class 6. And this is our first chapter. Chapter name is the Cranky Macaw. And this is our third video, I think, of this chapter. In our last video, we have completed the chapter, the Cranky Macaw. Cranky macaw means hota hai. Cranky means chirchira, bad tempered. Macaw is a kind of parrot. ये एक चिड़चिड़े पैरट की स्टोरी है. इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड यू हैव टू दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इन योर नोटबुक. नोटबुक में आपको इनकी एक्सरसाइज करनी है. हाउ विल यू डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंशन द टूडेज डेट. सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करने के पहले आज की डेट मैंशन करनी है इन योर नोटबुक. देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द चैप्टर. उसके बाद आपको चैप्टर का नेम लिखना है. देन यू विल स्टार्ट वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. वर्ड मीनिंग हमने लास्ट वीडियोज में कर ली थी और वो उसी वर्ड मीनिंग्स को आपकी नोटबुक में करना है. और यहाँ पर ग्लोसरी दी हुई है. इस ग्लोसरी को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. दिस ग्लोसरी को भी आपको आपकी नोटबुक में करना है. क्रैंकी, स्ट्रेंज, बैड टेम्पर्ड. क्रैंकी का मतलब होता है बैड टेम्पर, यानी कि चिड़चिड़ा. सेकेंड वर्ड है पायरेट. पायरेट का मतलब होता है समवन हु रॉब्स अ शिप, जो शिप को चोरी करता है उसके लिए आता है पायरेट. गुआना, एन आइलैंड इन कैरेबियन सी. गुआना इज द नेम ऑफ एन आइलैंड. एक आइलैंड का नेम है जो कि कैरेबियन सी में सिचुएटेड है. कंस्टेंट, नॉट चेंजिंग. कंस्टेंट यानी कि नॉट चेंजिंग, कंटिन्यू यानी लगातार. तो कॉन्स्टेंट फ्रेंड होता है क्रैंकी मकाओ. किसका? जॉनी जे का. प्लमेज, द फैदर्स. फैदर्स के लिए एक वर्ड है प्लमेज, यानी कि पंख. स्कारलेट, स्कारलेट मतलब जो ब्राइट रेड कलर होता है, चटक लाल रंग के लिए स्कारलेट वर्ड है. रम, बैक साइड यानी कि जो पिछला हिस्सा होता है पीछे की तरफ. स्क्रीच, स्क्रीच मीन्स होता है हाई, ये जो लाउड लाउड हाई अनप्लेजेंट साउंड, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाला साउंड या बहुत तेज साउंड जो कि अनप्लेजेंट होता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, कानों को सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. पार्लर, अ स्मॉल रूम फॉर गेस्ट, यानी कि मेहमानों के लिए एक छोटा रूम, उसके लिए एक वर्ड आया पार्लर. नेक्स्ट इज इग्नोर, यानी कि नॉट पे अटेंशन. किसी को जब हम ध्यान नहीं देते, अटेंशन नहीं करते, तो उसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है इग्नोर करना, अनदेखा करना. ट्रिप्ड, ट्रिप्ड का मीनिंग होता है स्टम्बल्ड एंड फेल, यानी कि उलझ करके गिर जाना. एस्थेटिक, एस्थेटिक का मीनिंग होता है वेरी हैप्पी, यानी कि बहुत खुश. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर को करने के लिए फर्स्ट मेंशन डेट, आफ्टर दैट नोट डाउन द नेम ऑफ चैप्टर, देन राइट डाउन द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर एंड देन यू विल स्टार्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज फर्स्ट. Complete the following sentence, following sentences in your own words. तो इस एक्सरसाइज में सम सेंटेंसेस है, फोर सेंटेंसेस है जो कि इनकम्प्लीट है, और इन सेंटेंस को हम लोगों को कंप्लीट करना है अपने खुद के वर्ड्स में. तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? जॉनी जे एंड क्रेजी कोट देवर बेस्ट फ्रेंड. Did not like Johnny J and Crazy Coat did not like to be in the company of many people because. अब यहां से हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है. कैसे? जॉनी जे एंड क्रेजी कोट डिड नॉट लाइक टू
बी इन द कंपनी ऑफ मैनी पीपल, यानी कि बहुत सारे लोगों की कंपनी में या उनके संग रहना उनको पसंद नहीं था. क्यों पसंद नहीं था? बिकॉज मीटिंग पीपल, आप लोगों को स्टार्ट करना यहां से बिकॉज के आफ्टर बिकॉज, बिकॉज के बाद से, बिकॉज मीटिंग पीपल मेट देम क्रैंकी. क्रैंकी मीन्स चिड़चिड़ा, कि लोगों से मिलना उनको क्या हो जाता था, लोगों से मिलके क्रैंकी हो जाता था. ओके, मेट देम क्रैंकी. नाउ सेकंड जो सेंटेंस है, क्रेजी कोट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पैट. क्रेजी कोट वॉज नॉट, वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पैट. वो एक ऑर्डिनरी पैट नहीं था. क्यों नहीं था? बिकॉज क्यों वो एक ऑर्डिनरी पैट नहीं था, यानी कि साधारण पैट नहीं था. हमने स्टोरी तो पढ़ी है, बिकॉज ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट एंड ही कुड स्पीक लाइक ह्यूमन. वो इंसान की तरह बोल सकता था. दैट्स वाई क्रेजी कुड नॉट, वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पैट. इसी वजह से क्रेजी कुड एक ऑर्डिनरी पैट नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट था और वो बोल भी सकता था. चैप्टर में हमने देखा है ना, वो कैसे बोल सकता था और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की साउंड भी निकाल सकता था. थर्ड सेंटेंस है, क्रेजी कुड, क्रेजी कुड स्क्रीच, स्क्रीच. स्क्रीच मीन्स क्या होता है? कि अनप्लेजेंट साउंड, कि जो हमें कानों को अच्छा नहीं लगता है, उसको हम लोग स्क्रीच कहते हैं. और हमारी ग्लोसरी में भी ये इसका मीनिंग आया है, मतलब लाउड हाई अनप्लेजेंट साउंड, यानी कि जो कानों को अच्छी नहीं लगने वाली तीखी आवाज, उसको हम कहते हैं स्क्रीच. तो क्रेजी कोट स्क्रीच एट मिसी मे. हु वॉज मिसी मे? मिसी मे वॉज सिस्टर ऑफ जॉनी जे. मिसी मे कौन थी? जॉनी जे की सिस्टर. अब जॉनी जे की सिस्टर जब उसे मिलने आती थी गुआना आइलैंड पर, तो क्रेजी कोट उस पर क्या करता था? स्क्रीच करता था. प्रोबेबली, प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है मे बी, शायद. बिकॉज क्यों उस पर वो स्क्रीच करता था, क्यों चिल्लाता था, क्यों ऐसी अनप्लेजेंट साउंड निकालता था? बिकॉज ही डिड नॉट लाइक हर, क्योंकि क्रेजी कुट उसको पसंद नहीं करता था. दैट्स वाई ही स्क्रीच एट मिसी मे. नाउ फोर्थ एंड लास्ट सेंटेंस, जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है जिसको हमें कंप्लीट करना है, द पुलिस वर सरप्राइज द पुलिस वर सरप्राइज वैन दे रियलाइज वैन दे रियलाइज. पुलिस को बहुत सरप्राइज हुआ, मतलब उनको आश्चर्यचकित हुए, सरप्राइज हुए. वैन दे रियलाइज, जब उनको ये रियलाइज हुआ या जब उन्होंने ये जाना, हाउ मिसी मे एस्केप बिकॉज,
तो उनको क्या जान के सरप्राइज हुई कि मिसी में बच गई, कि मिसी में कैसे बच गई, ये जान के उनको सरप्राइज क्यों हुआ? बिकॉज शी वॉज सेव्ड, शी वॉज सेव्ड बाय अ टॉकेटिव पैरट, या टॉके बाय अ टॉकिंग मकाव। हम यहां पर पैरट भी लिख सकते हैं, बिकॉज मकाव इज अ काइंड ऑफ पैरट। तो फोर्थ सेंटेंस का क्या मीनिंग है? द पुलिस वर सरप्राइज व्हेन दे रियलाइज्ड हाउ मिसी में एस्केप। जब पुलिस को यह पता चला कि मिसी में कैसे बच गई, उस थीफ से कैसे बची, ये जान के सरप्राइज हुआ, क्योंकि उनको ये बात पता चली कि उनको वो जो बची है वो किसकी वजह से बची, टॉकिंग मकाओ यानी कि पैरट की वजह से वो एस्केप हो गई, पैरट की वजह से वो बच गई, ये जान के उनको बहुत सरप्राइज हुआ है। अलोंग विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी विल स्टार्ट सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ऑन वर्ड्स। सेकेंड एक्सरसाइज जो हमारी है वो क्वेश्चंस है, एंड वी हैव टू गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ बर्ड्स आर मकाव, मकाव किस तरीके के बर्ड्स होते हैं, व्हाट इज द स्पेशल अबाउट देम, और उनके बारे में स्पेशल क्या है। तो मकाव किस टाइप के बर्ड्स होते हैं, वी हैव रेड इन द फर्स्ट सॉरी सेकंड पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर अबाउट द मकाव। हम लोगों ने मकाव के बारे में सेकंड पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर में हमने पढ़ा है, तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन क्या है, आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड्स आर मकाउस, मकाउस किस तरीके के बर्ड्स होते हैं, किस तरीके के पक्षी होते हैं, व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम, उनके बारे में क्या खास बात होती है, एंड द आंसर आई एम गोइंग टू राइट डाउन ऑन द बोर्ड, यू हैव टू मेंशन द आंसर इन योर नोटबुक, और आपको क्वेश्चन आपकी बुक से ही नोट डाउन करने हैं। तो लिखेंगे हम मकाव, आर a kind of South American parrot. तो मकाओ किस टाइप का एक बर्ड है, मकाओ आर अ काइंड ऑफ साउथ अमेरिकन पैरट, ये साउथ अमेरिकन पैरट का एक काइंड है, एक प्रकार है। अब उसके हम उसको डिस्क्राइब करेंगे किस टाइप का होता है ये, हेज प्लमेज, हेज प्लमेज मीन्स उसके जो फैदर्स होते हैं, उसके जो पंख होते हैं, एंड टैल फैदर्स, और उसकी जो पूंछ के जो फैदर्स होते हैं आर स्कारलेट इन कलर, आर स्कारलेट इन कलर। तो उसके फैदर का और जो पूंछ है उसके फैदर का, उसके पंख का कलर क्या होता है, स्कारलेट। स्कारलेट मैंने आपको वर्ड मीनिंग में बताया था, ब्राइट रेड कलर के होते हैं। द रंग रंप, रंप मीन्स बैक साइड, और उसका जो पीछे का हिस्सा है यानी कि उसका जो बैक साइड है, ऑफ लाइट ब्लू, उसका जो बैक साइड है वो लाइट ब्लू कलर का होता है, एंड अपर विंग्स और जो ऊपर के जो पंख होते हैं जिससे वो उड़ता है ऑफ येलो, वो पीले होते हैं। तो हमें पता चला कि वो किस टाइप का है, व्हाट काइंड ऑफ मकाओ, किस तरीके के होते हैं मकाओ, मकाओ आर अ काइंड ऑफ साउथ अमेरिकन पैरट,
एक साउथ अमेरिकन पैरट होता है, एक साउथ अमेरिकन बर्ड होता है. हिज प्लमेज एंड टेल फेदर आर स्कारलेट इन कलर. उसका जो फेदर है और उसका जो टेल फेदर है यानी कि जो उसके पंख है और जो उसके पूंछ के पंख है वो ब्राइट रेड कलर में होते हैं. द रंप ऑफ लाइट ब्लू. और जो उसका बैक साइड का हिस्सा है वो लाइट ब्लू कलर का होता है. एंड अपर विंग्स ऑफ येल्लो. और जो ऊपर के विंग्स है वो येल्लो होते हैं. इसका डिस्क्रिप्शन हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक मकाउ कैसा होता है. और हमारे क्वेश्चन का जो हाफ क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेशल अबाउट देम. उनकी क्या खास बात होती है. खास बात ये होती है कि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और उनको वो बोल सकते हैं. तो खास बात क्या है. द स्पेशलिटी, द स्पेशल थिंग अबाउट देम इज दिस इज दैट दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे कैन बी टॉट स्पीक. और उनको बोलना सिखाया जा सकता है. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. आई एम रिपीटिंग अगेन द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. मकाउज आर अ काइंड ऑफ साउथ अमेरिकन पैरट. मकाउज जो होते हैं वो एक साउथ अमेरिकन पैरट होते हैं. हिज प्लमेज यानी कि जो फेदर्स एंड टेल फेदर्स आर स्कारलेट रेड, स्कारलेट कलर में होती है. द रंप ऑफ लाइट ब्लू. और जो उसका बैक साइड है यानी पीछे का हिस्सा है वो लाइट ब्लू कलर का होता है. एंड अपर विंग्स ऑफ येल्लो. और जो ऊपर के विंग्स होते हैं जिनसे वो उड़ता है वो येल्लो कलर के होते हैं. एंड द स्पेशल थिंग. और उनके बारे में क्या खास बात है. स्पेशल थिंग ये है. द स्पेशल थिंग अबाउट देम इज दैट दे आर वेरी इंटेलिजेंट. वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं. एज वेल एज दे कैन बी टॉट स्पीक. और साथ ही इंटेलिजेंट होने के साथ उनको बोलना भी सिखाया जा सकता है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज आई एम रीडिंग. गिव टू प्रूफ्स फ्रॉम द स्टोरी दैट इंडिकेट्स द जॉनी जे एंड क्रेजी कोट वर नॉट यूज टू लिविंग अमंग लॉट्स ऑफ पीपल. हमें स्टोरी से दो ऐसे प्रूफ बताने हैं जिससे ये बात साबित होती है कि क्रेजी कोट एंड जॉनी जे दोनों को ही दे डिड नॉट लाइक टू लिव अमंग द मासेस यानी कि लोगों के बीच में या भीड़ में रहना उनको पसंद नहीं है. तो वो बात किससे प्रूफ होती है. नोट डाउन द आंसर ऑफ सेकेंड. सेकेंड आंसर हम स्टार्ट करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे ये बात पता चलती है कि उनको लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है. तो फर्स्ट प्रूफ क्या होगा. आंसर हम लोग स्टार्ट करेंगे. जॉनी जे एंड क्रेजी कोट वर नॉट used to living among lots of people, तो इसके दो प्रूफ हमें दे रहे हैं. फर्स्ट प्रूफ तो ये है कि वो लोग लैंड में नहीं रह करके कहाँ रहते हैं. एक आइलैंड पर रहते हैं, वहां पर उनका एक कैबिन है. फर्स्ट प्रूफ हम लिखेंगे. Because in first para we can get answer of this question. Johnny J did not like to live on land.
उसको लैंड पर रहना पसंद नहीं है और लैंड पे बहुत सारे लोग रहते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड. सॉरी ये लिखना ऑन लैंड ही हैड अ स्मॉल कैबिन. उसका एक छोटा सा रूम है, स्मॉल कैबिन है ऑन एन आइलैंड ऑफ गुआना. तो क्या बात प्रूफ होती है, हमें प्रूफ देना है चैप्टर से कि उनको लॉट्स ऑफ पीपल के साथ रहना पसंद नहीं है. तो पहला प्रूफ हमें यह मिलता है कि जॉनी जे डिड नॉट लाइक टू लिव ऑन लैंड. उसको लैंड पर रहना पसंद नहीं है. लैंड पर रहेगा तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये बात प्रूफ होती है उसको लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है. ही हैड ए स्मॉल कैबिन ऑन एन आइलैंड ऑफ गुआना. सेकेंड प्रूफ क्या मिलता है कि लॉट्स ऑफ पीपल या अमंग द मासेस इन दोनों को पसंद नहीं है. तो मीटिंग पीपल always met them cranky. लोगों से मिलना उन्हें हमेशा चिड़चिड़ाहट बना देता है या चिड़चिड़ा बना देता है. ये दोनों चीजें इस बात को प्रूफ करती हैं दैट दे डिड नॉट लाइक टू लिविंग अमंग लॉट्स ऑफ पीपल, कि उन लोगों को लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं है. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज वॉट वुड हैव हैपन टू मिसी मै हैड शी वॉकन अप वाइल द थीफ वॉज स्टिल इन द मिडिल ऑफ हिज बर्गलरी. यानी कि बर्गलरी का मतलब होता है कि उसकी चोरी, जो चोरी कर रहा था, वो जब रोब कर रहा था, क्या होता अगर मिसी मै जाग जाती, अगर जब वो चोर उसके पार्लर में चोरी कर रहा है उस टाइम पर अगर मिसी मै जाग जाती तो क्या होता. क्या होता, मिसी मै कब जागी थी, जब वो उसकी चेयर से टकराया था, क्या हुआ था, ट्रिप्ड हुआ था. लेकिन अगर चोरी करते हुए वो जाग जाती तो क्या होता, तो चोर या तो उसको हर्ट कर देता, नुकसान पहुंचाता ना, हर्ट कर देता या उसको वांटेड कर देता, उसको घायल कर देता. तो क्वेश्चन क्या है, what would have happened टू मिसी मै हैड शी वॉकन अप वाइल द थीफ वॉज स्टिल इन द मिडिल ऑफ हिज बगलेरी. बगलेरी का मतलब होता है कि जब वो मिडिल ऑफ द बगलेरी का मतलब है जब वो चोरी कर रहा है उस टाइम पर अगर मिसी में जाग जाती. मिसी में वो चोरी कर रहा था तब नहीं जागी थी, जब मकाओ बहुत तेज चिल्लाया था और उसने साउंड निकाली थी पुलिस सायरन की और गन शॉट की, देन ही ट्रिप्ड और वो तब वो क्या हो गया था, उलझ कर गिर गया था. आफ्टर दैट मिसी में वैकअप, उसके बाद ही वो जागी थी. लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग हिज रॉबरिंग अगर उसकी रॉबरिंग के टाइम पर ही वो उठ जाती तो क्या होता. ओके, वी विल डू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड नेक्स्ट टू क्वेश्चंस इन आर नेक्स्ट वीडियो. तो आपको समझ में आ रहा है कि हमें फर्स्ट एक्सरसाइज और आज मैंने टू आंसर्स करवाए हैं, जो थ्री आंसर्स हैं वी विल डू इन आर नेक्स्ट वीडियो. इफ यू हैव एनी क्यूरीज अबाउट दिस चैप्टर, या आपके कुछ क्वेश्चन हैं या आपकी कोई क्यूरीज हैं, देन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर 8559877989. अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने या समझ नहीं आया, देन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर 8559877989. टिल देन बाय बाय.